क्योंकि कोई लख भी समान तो पहुँच जाए पुत्र सैयद के पैर की धूड़ में भी नहीं पहुँचता है। जिन्ना मर्दी कुट जे सारी दुनिया के धूमा पै जाए सुलेमान मिसबाई दी सैयद के पैरों की धूड़ में फिर भी नहीं पहुँचता। सैयद फिर भी सैयद भावें दस साल का सैयद हो भावें पाँच साल का हो भावें दो साल का हो सैयद सैयद ही है। फिर इतने फिर सैयद पाक मौजूद या फिर कोशिश करना वा इतने मैं देख लिया ना स्टेज की सूरत हाल है जी कि इतने बैठे भी कम चल जाए नहीं तो फिर मैं इंज करना हूं मैं कहना यार फिर एक कुर्सी और शाह और नहीं भी लिया नाल चलो फिर नाल वा के तो जरा ना मामला है कुछ ही नहीं पुत्र बस असी कितू पीरे तरीकत रब रे शरीयत तो असी कितू सूफी हो गए शुक्र है भी उन्हें उन्हें परदे पाए बड़ा डर लगता है पुत्र इन्ना क डर लगता है कि खोल ना छड़े पुत्र जिन्हें खोल छड़े तो फिर मियाँ साहब फरमंद ने एक गुनाह जे माँ प्यो वेखे देवे देस निकाला लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे फरदे पावन वाला परदे पाए सुमिया शुक्र ओदी जात दा लफ्ज नहीं जुमले नहीं ओदा शुक्रिया कहिंदे है साहिब सब का एक साहिब का कोई एक है। बाबा साहब फरमंद ने कि मैनू कुतुब साहब ने ना सैर सियाहत का हुक्म दिता फरमंद ने मैं करदा करदा एक शहर गया और कहते नहीं जो किसी का आशिक हो गल कर असं किसी शहर जाइए तो पहले यह पूछने दसो तू पीज़ा कितू चंगा लगता है आशक जो पीज़े दे असं किसी शहर जाइए तो यही जाके पूछोंगे असं होटल कड़ा चंगा है रोटी कितू चंगी लगती वो ताड़े इतने मुरीद के मिलती ना बड़ी चंगी कड़ाई वो एक दो बार मनु भी कोई सज्जन वेलिया से लैके आए तू साडा है ही लेकिन उन्होंने की है एना इलमा वेच ना पा सानू कोई यार दी गल सुना सानू वो उनका तरीका होता है वो जहाँ भी जाते हैं यार का पता पूछते हैं इधर अगर कोई यार का पता ना मिले तो फिर कहते हैं को ऐसे का पता दे दो जो यार का पता दे इधर वो बाबा साहब फरमाते मैंने जाके पूछा भी इतने कोई कोई अल्लाह वाला है भी उन्हें की हजूर इतने तो कोई नहीं जे सारे एन जी जे सामने जो पहाड़ है ना एक गार है उत्थे कई सालों तो एक अल्लाह के वली अल्लाह की इबादत मसरूफ ने बाबा साहब फरमंद ने मैं बड़ा औखा पहाड़ चढ़िया फरमंद ने जो पहुंचा ना तो गार के मूँह ना एक इतों लत वी पई थी इधर और खुशक हो गई कोई मास छास उत्ते नहीं अड्डी बस पई फरमंद ने अंदर गया खैर बुजुर्ग बैठे थे सर गुदड़ी पाई दी कुछ गल्ला पूछिया हजरत ने बड़ा सोहना जवाब दिता मैंने थोड़ी देर बाद इजाजत दी क्योंकि सुनते जो प्रौना जान लगे तो दरवाजे तक छड़न जाओ बाबा साहब फरमंद ने वह भी उठे तो हजरत की सज्जी लत कोई नहीं सी है एक लत बाहर कटी पई सी कहिंदे महर सी एक दिल से ख्याल किया एक लत हजरत की कोई नहीं एक बार पई खैर हो सही वापस को मिलता तो नहीं मामला कहिंदे महर की हजरत एक लत जनाब की भी नहीं एक बार कटी पई है तो ये की कहिंदे हजरत रो पे और फरमाने लगे फरीद मैंने दावा कर दिया इश्क का भाई इम्तिहान तो वह ने जिन्हें स्कूल दाखला लिया है जिन्हें दाखला ही नहीं लिया था इम्तिहान का इम्तिहान तो वह इधर जी फिर जिन्हें दावा किया समझो उन्हें दाखला ले लिया फरमंद ने मैं दावा ना करियो पुत किसी सर नगूसी टहनी पर रख लूँगा चार दिन के ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशिया ना असी नहीं पुत्र इन्हें जो गया है कोई वो ही सर इम्तिहान अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए असी कितू भाजिया ने जो गए सन अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए कौन सी बस्ती बसाई ताजरा ने आले बैल है इश्क में क्या लुटाई ये इश्क में क्या बचाई ये आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर ओ सन भी असी कितू हो गए सानू तो अदर जी त्री रोजे रखना पै जाते ही रोन लग पे चल दंतियां दौड़ा है कितरिया दौड़ा है तेनू की लगे तू दुआ कर त्रिया द नहीं अदर जी जरा अचानक होंगे ना बड़ा मजा आता लह की लानत भी सोच उत्ते भी अदर सरप्राइज लह की लानत अदर साड़ी सोच उत्ते भी जरा अचानक होंगे ना तो बड़ा मजा आता है तेरे अल्लाह के बंदे तेरा दिल नहीं करता तू एक दिन होर यार वास्ते भुखा रवे है तेरा दिल नहीं करता तू एक दिन होर मालिक लिए भुखा रवे अला हजरत एक भुख तेरे लिए उन्होंने की बेनियाज आतमिया लेकिन की ये कौम की सोच है नहीं जी सरप्राइज वाली ईद का बहुत मजा आता है मैं शाह जी ईद वाले दिन ना मैं जनाब पीरू मुर्शद फरमाते हैं यार तू ईद पर भी लोग रवा छड़ना है खुदा का वास्ते ईद का दिन है कि ना रवाई है मैं हर कुछ मैं क्या चलो टाइम ही लंघाइए बस ना लेकिन मेरे को नहीं रहा गया मस्जिद माशाल्लाह भरी दी सी मस्जिद भी
अलहमदुल्ला सियालकोट की दूसरी बड़ी मस्जिद है। मैं सारे पूछा, मैं यार अच्छ सारे बड़े खुश ने, तुम भी खुश हो, मैं भी खुश हाँ, कोई ईद देगा कोई ईद लेगा, सेवियाँ पकड़िया ने, गोश्त पकड़ना है, सारा बड़ा मज़ा आना है। किसी ने भराल जाना है, किसी ने भैन वाल जाना है, किसी वाल किसी ने आना है, किसी ने सहरे जाना है, किसी ने पेके जाना है, सारे बड़े खुश हैं। उन्हें कहा जी आओ, मैं तुम्हें पता है अज कोई दुखी भी है बड़ा, कौन दसवा भला। सारे सोची पै गए, उन्हें कहा दुखी किन्ने होना है, या हो सकता है लोगों के कोई ख्याल को गया हो उत्थे तक, लेकिन कोई ना को अदब की वजह ने बोलिया है। मैं भी नहीं, फिर किसी ने बोलना, क्या जी मैं सब तो ज़्यादा दुखी है मस्जिद, ऐसा दुखी है कहती होनी है कि मैं फिर हूँ 11 महीने लिए वरान हो जाए, मेरे च आखिरी रश है, मैं 11 महीने लिए फिर वरान हो जाए, हूँ फिर रमज़ान आएगा तो फिर लोग आज मस्जिद दियाँ सफा बड़ी दुखी ने, फिर कोई 11 महीने बाद आने नमाज पढ़ेगा, अज जो मस्जिद कुरान पेद ने वो बड़े दुखी ने, फिर 11 महीने बाद कोई उन्होंने खोलेगा। बाबा साहब कहते ने बुजुर्ग फरमान लगे मैं दावा कर छड़िया, मैं दावा कर छड़िया, फिर दावा किया, फिर इम्तिहान आ गया, कहते ने इम्तिहान आया, कहते ने बारिश शुरू हो गई, 7 दिन लगातार बारिश पई, धुप चढ़ी कोई नहीं, पहले गार सी, ठंड बड़ी हो गई, ठंड 7वें दिन मनु सी कि ठंड ना मैं इंतकाल कर दें, बुजुर्ग फरमान ने मैं 2 नफल पढ़े, अल्लाह के हुजूर दुआ की, कहने अगला दिन जड़ा आया सूरज लैके आया, धुप चढ़ी, कहने मैं अगार के मुँह से बह के धुप पिया सेका, तो कोलू ने एक बीबी लंघी बड़ी सोहनी, मेरा ध्यान दे मुँह से पिया, वो तो लंघ गई, तो मेरा दिल किया मैं फिर पिछे जावा, तो फिर वेखा इन जाके, कहने शैतान ऐसा गल पाया, अकल मारी गई, वो ध्यान कर, इतने तो बंदा बड़ा औखा आंदा, बीबी कितों आ गई, शैतान ही ध्यान कर, है कहने शेवत ने गलबा किया, मैं उठाया और गार चू ना सब तो पहले सज्जा पैर बाहर रखा, फिर गैब चू आवाज़ की आँदी, वाह बंदिया वाह, इशक दे दावे साढ़े नाल जाना गैर पिछे में साहिब सब का एक है, साहिब का कोई साहिब सब का इशक दे दावे साढ़े नाल तो जाना गैर पिछे फरमान ने यही पैर से जोड़ा सब तो पहले गैर अल वध्या, फरमान लगे मैं अपने हथा ना ला छड़े पड़ गया, साहिब सब का एक है, साहिब का कोई एक है। फिर बाबे ने और अपनी ऐनक वधाई, चलो कोई लभे ही सही कितने, फिर लिखते की नहीं, फिर मैं साहिब सब का एक है, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं करोड़ों में कोई एक है। आओ यार हज वेला है जे तुर पई मदीने पाक है, पहुँचना ना पहुँचना तो नसीबा दी गल ने, चलो पुत्र कम अज़ कम इस हाल च मरांगे तो सही ना मदीने जान डे, लेकिन पुत्र ऐसी सारे ऐसे वहम ची हैं कि मदीना पाक चले हैं, लेकिन मैं कहना अपनी अपनी गड्डिया खिलार के वेखो, किसी ने इंडिया पा लई, किसी ने अमरीका पा लई, इधर हाँ चेक करिए पुत्र, मैं वक्त गुजरता पिया इधर जी, मैं जितू तुरया सा मैं फिर उत्थे वापस आना, माशाला बड़ी खुशी हुई वेख के शाह साहब का बाग, सदात का बाग, सदात की मेहनत, खुशी हुई देख के, क्योंकि मैंने अजी पता है ना मैं सुनना कोई सौखा काम तरी ना, व्यक्ति होंगे ना जिन्हें उधर नाल को बड़क छड़क भी मजमा जगा के रखना, साढ़े तेन जी गुना मैं भी बड़का मारन जोगा रहे कोई नहीं, अदर ये मेहनत है माशाला सदात की। अल्लाह ऐशा साहब आपने ना उर्स दे वाले ना अफनान साहब, मैं इंशाला हाजरी पेश करा जी ला, इंशाल्लाह आप जरा अफनान साहब ना रबते च रह के दस छड़ियो, अबा हो गया जी इंशाल्लाह कर देंगे, इंशाल्लाह आवेंगे जी जरूर, इंशाल्लाह कर पुत्र कर गए, ऐसे बड़ा सौखा सौदा है पुत्र, कोई अबू जहल नहीं, कोई अबू लहब नहीं, कोई उतबा नहीं, कोई शैबा नहीं, कोई यजीद नहीं है, कोई उनके ना लो लोग हार पान गए, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, सही गल है पुत्र, मैनू तो रोन आता, मैं तो रोआ तो मैं तो हक नहीं अदा कर,
जब तक बिके न थे कोई पूछता न, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया है। आओ पुत्र, इस दुनिया ने कोई मोल नहीं जपाना पुत्र, आओ उथे विको फिर वेखो हुंदा की ये नमाज मैं आ लगा हुंदा उथे विको फिर वेखो ये। हाँ हमारे ना दरजी वे एक बुजुर्ग हुए हैं, वो फरमाते मेरी मस्जिद में ना एक शहबाज आ गया, ये वाला नहीं शहबाज नबी अलैहिस्सलाम दा शहबाज है, इकबाल का शहीन है। फरमाते ने जोर भी उत्थे पढ़ी, असर भी उत्थे पढ़ी, मगरब भी उत्थे पढ़ी, तो शाह भी उत्थे पढ़ी, बस नमाज पढ़ के अल्लाह की याद च मशगूल रहा। फरमाया खादा पीता उन्हें कख नहीं। हजरत फरमाते ने कि शाह तो बाद ना बादशाह के घर महफल से महफिल मिला दे मुस्तफा अलैहि सलात, कहते ने मैनू भी दावा सी, मैं चला तो मैं भुखम पाना बह रहा था दोपहर का, मैंने क्या मलंगा आ चल मेरे नाल माफल ते, तो उस बहाने रोटी भी खा ली। फरमाते ने अगू मैं कहने लगा कि मैं कभी किसी अल खान नहीं गया, लेकिन है वे कि तुम आँदे ना फिर उतो मेरे लिए अलवा लै आई हो। हजरत कहते ने मैं टुर गया, माफल च कोई इनकी कैफीयत बनी ना अलवा याद रहा ना वो याद रहा। कहते ने मैं घर आया थक गया था, मैं आके पलंग ते सौ गया। कहते ने तू सौ गया तो ख्वाब च की वेखना, नबी अलैहि सलाम बनफसे नफीस मौजूद ने, अंबिया सलामुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन ने, सहाबा रिजवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन ने, तो मैं हाजिर खिदमत है। तो नबी अलैहि सलाम नाराज़ होकर मैं की फरमा रहे ने, साढ़े को गुलाम ने तेरे को अलवा मंगया तो तूने अलवा ही नहीं खोया है। फरमाने नाल ही अख खुल गई, नाल ही अख खुल गई। कहते ने मैं नसिया मस्जिद अल, कहते मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद च कोई नहीं, कहते ने बाहर नसिया तो मस्जिद का दरवाजा ना हिले पिया, तो मैं समझ गया कि ये गया ही निकल के। फरमाते ने मैं पिछू जाके तेनू फड़ लिया, मैं माफ़ी दे दे चल मेरे घर, मैं तेनू पका के लवा खुआना। तो फरमाते अगू वह कहता है, फरमाते ने अगू वह कहता है कि हूँ नबी अलैहि सलाम सारे अंबिया ते सहाबा आके सिफारिश करनगे तो सानू हलवा लभेगा। चलिया वो तो सही, एक बार वो तो सही, तू कि पिछे झूठ पे मारी फिरना है, तू कि पिछे दो नंबरियाँ करना है ही सारा कुछ तेरे लिए। माँ उरीदू मिनहुम मिर रिज़्क व माँ उरीदू अन युतीमून, भाई अल्लाह ने को हाजत है सेब दी तेरे लिए बने, अल्लाह ने को जरूरत है पालक दी तेरे लिए बनी, भाई अल्लाह तो छोटा गोश खाते ही नहीं, वो तो पा के उसकी शान ही नहीं है, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए, तू मेरे लिए, हाँ। सब तेरे लिए तू मेरे। लेकिन पुत्र असी और मैं जिस शुरू होया सा मैं वापस उत्थे ही अपने टाइम का मैं पूरा ध्यान है, आ जाओ वापस पुत्र अदा की कसमें थक जाना जे दौड़ दो, कख नहीं जी आना है, जाते एंड कफा नहीं जी और कुछ नहीं जे है मियाँ जी, जाते एंड कफा नहीं है और कुछ नहीं है, खाओ पियो मैं नहीं ओढ़ता, लेकिन अल्लाह ना भुलो, नबी अलैहि सलाम की नौकरी ना छड़ो है, नमाज ना छड़ो है, अपने अल्लाह पुकार के तो वेखो। ये लिखा है बगदाद शरीफ में ना एक कत्ल हो गया, 20 बंदे जी गिरफ्तार किए गए, 19 बंदे तो वो थे जो बगदाद शरीफ के रहने वाले थे, एक उनमें मुसाफिर भी पकड़ा गया शक के बिना पे। वो जैसे जैसे रात करीब आती गई ना, हर बंदे का कोई ना कोई जानने वाला सिफारशी अमायती जमानत देने वाला आता गया और अपने अपने बंदों को लेके जाता। रात तक 19 के 19 बंदे जो है ना वो जमानत पे सिफारिश पे रिहा हो चुके थे, वो रह गया कल्ला। अब वो मुसाफिर था, अब वो करता क्या है, सर सजदे में रख के नर्स करता, या अल्लाह ना को जमानत ना को सिफारशी तो ना को मैथी, मेरा सिफारशी भी तू है, मेरा मैथी भी तू है, मेरा जामिन भी तू ही है। कई आए तो रोई आए, या अल्लाह ना को सिफारशी ना को जानन अल्लाह ना को यार ना को दोस्त ना को बेली, तू ही जो ही हसबुन अल्लाह व नेमल वकील। और ऐना वाला हसबुन अल्लाह व नेमल वकील नहीं है कोई, फर्क भी है जी। अलहमदुल्ला साढ़ा की दिया अल्लाह, अल्लाह के महबूब अल्लाह की इता न सारा कुछ ही दे सकते हैं, साढ़ा हसबुन अल्लाह व नेमल वकील वह वाला नहीं है यादरे जी, साढ़ा हसबुन अल्लाह व नेमल वकील वह वाला नहीं भाई, जरा ना 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 महबूब ने इधरे जी, मैं तो मालिक ही कहूँ, मैं तो मालिक ही कहूँ, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी इधरे जी, असी इधरे जी वो वाला साढ़ा हसबुन अल्लाह व नेमल वकील नहीं है जी। तो वो अल्लाह की इताअत नाल अल्लाह के फजल नाल बड़ा कुछ वो रोई है। लिखा हारून अपने पलंग पे सोया था तो उसको झंझोड़ के जगाया गया और आवाज़ क्या सुनता है, हारून तू सोया पड़ा है, जा हमारा एक बंदा बेगुनाह कैद खाने में है, जा जाकर उसको रिहा करवा। हारून भागता हुआ गया,
वो जाके देखता क्या है, वो सर सजदे में रख के रो रहा है, या अल्लाह मेरा मैथी भी कोई नहीं, मेरा सिफारशी भी कोई नहीं, मेरा जमानत देना लग, मेरा मैथी भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामिन भी तू। है हारून ने दरवाज़ा खुलवाया, उसको सीने से लगाया, घर ले गया। लिखा है हज़रत जी किताबों में, जब सुबह हुई ना तो हारून ने ऐलान करवाया बगदाद शरीफ में। ऐलान उसने क्या करवाया, उसने ऐलान करा, आओ 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 और उस शख्स की ज़ियारत कर लो जिसका जामिन अल्लाह है। इसलिए तो इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, आदमी को देता है हजार सजदों से निजात। कर एक उस मालक नू, फिर वेख रंग उस सजदे दे दे जी, ते जे एक उन्हों ना ना कीता तो फिर वेख तेन करने के निबैने मियाँ है। आज यही है ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही कार फिरते हैं।